हाय एवरीवन, मेरा नाम है भावना और स्वागत है आपका मेरी चैनल बीइंग वुमन में। आंवले के बेनिफिट्स कौन नहीं जानता, इनमें कितना सारा विटामिन सी होता है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसीलिए इसे वंडर फ्रूट बोला जाता है, सुपर फूड बोला जाता है। और क्या आपको पता है कि आंवले बहुत अच्छी कूलिंग इफेक्ट भी देते हैं, मतलब इन्हें हम समर में भी खा सकते हैं। आंवलों से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, एकदम हमारी एनर्जी बूस्ट होगी। पर प्रॉब्लम यह है कि समर में आंवले मिलेंगे कहाँ, तो उसके लिए आपको अभी से ऐसा मुरब्बा बना के रख देना चाहिए जो आपको पूरे साल चल सकता है। इसे आप जैम की तरह रोटी के साथ, ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। ऐसे ही अगर पसंद है मेरी तरह, तो फिर रोज एक स्पून भर के ऐसे ही खा जाइए, या तो फिर गुनगुने पानी में इसको मिक्स करके पी लीजिए, तो आपकी इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट तो होगी ही और साथ में आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो आज ही मार्केट से बहुत सारे आंवले लाइए और ये मुरब्बा बना दीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आंवले की सीजन ख़त्म हो जाएगी। कैसे बनाना है ये मुरब्बा, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो आंवले लिए हैं, इन्हें अच्छे से धो लिया है और पहले हमें इन्हें अच्छे से स्टीम कर लेना है। 15 से 20 मिनट लगेंगे आंवले स्टीम होने को, गैस की फ्लेम हाई रखनी है। 15-20 मिनट के बाद पहले एक बार आंवलों को चेक कर लीजिए, क्योंकि मुरब्बे के लिए आंवले प्रॉपरली स्टीम्ड होने चाहिए। तो प्रॉपरली स्टीम्ड है कि नहीं वो कैसे चेक करना है, उसके लिए ऐसे पकड़ से आंवले को प्रेस कीजिए। अगर एकदम इजीली आंवले के पीसेस होने लगे तो इसका मतलब ये है कि आंवले प्रॉपरली स्टीम्ड हो गए हैं और इन्हें आप बाहर निकाल सकते हैं। अब जब ये थोड़े से ठंडे हो जाए तो इन्हें हाथ से प्रेस करते जाइए और बीच में से ऐसे बीज निकालते जाइए। बहुत ही आसानी से ये बीज वाला पार्ट निकल जाता है। और अगर आपको किसी आंवले पे ऐसा ब्लैक स्पॉट दिखे, या जिसे हम ब्लेमिशेस बोलते हैं, तो उस पार्ट को ऐसे चप्पू से निकाल दीजिए और बाकी का आंवला यूज कर लीजिए। बस 5 ही मिनट में 1 किलो आंवले के बीज आसानी से निकल जाते हैं, अगर आंवले प्रॉपरली स्टीम्ड हैं तो। मुरब्बे के लिए एक्चुअली हमें इन स्टीम्ड आंवलों का पल्प चाहिए, जो हम 2 तरीकों से बना सकते हैं। एक तो आप इन स्टीम्ड आंवले को ग्रेटर से ग्रेट करके पल्प बना सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और मेहनत भी लगती है। उससे आसान तरीका ये है कि इस तरह से बीच में से बीज निकाल दीजिए और ये जो आंवले के पीसेस बचते हैं उनको मिक्सी में घुमा लीजिए। तो हम जो आसान तरीका है वही फॉलो करेंगे ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे देखिए, सारे आंवलों के बीज निकल चुके हैं और अब इन आंवलों के पीसेस को हम मिक्सी में घुमा लेंगे। मिक्सी में आंवले का पल्प बनाने के लिए आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहले तो आप इसमें पानी यूज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि हम पानी यूज नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, तो मिक्सी को आपको 2-2 सेकंड के लिए पल्स पे चलाना है, तो ही आंवले अंदर अच्छे से घूमेंगे और चन होंगे, वरना आंवले प्रॉपरली मैश नहीं होंगे, आंवले की पेस्ट प्रॉपरली नहीं बनेगी। और हाँ, बिना पानी के पल्स पे चला के भी अगर थोड़े थोड़े छोटे छोटे पीसेस रह जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुरब्बा बनाने के टाइम ये छोटे छोटे पीसेस भी अच्छे से मैश हो जाएंगे। तो मुरब्बा बनाने के लिए आंवलों का पल्प एकदम रेडी है, तो चलो फाइनली मुरब्बा बना लेते हैं। उसके लिए कढ़ाई को गैस पे चढ़ाइए और फ्लेम को स्लो रखिए। उसमें हमारा ये आंवलों का पल्प डाल दीजिए और अब हमें इसमें ऐड करनी है शुगर। तो 1 किलो आंवले पे 1/2 किलो शुगर लगती है, मतलब 500 ग्राम्स। और अगर कप के मेजरमेंट से बोलूं तो 2 कप्स शुगर चाहिए होगी। मैंने यहाँ पे रॉक शुगर का पाउडर बना लिया है और वो यूज कर रही हूँ। आप रिफाइंड शुगर भी यूज कर सकते हैं, पर क्योंकि रिफाइंड शुगर अच्छी नहीं होती है हेल्थ के लिए, तो मैं वो अवॉइड करती हूँ ऑलमोस्ट सभी रेसिपीज में। और क्योंकि ये मुरब्बा गर्मियों में खाने के लिए बना रही हूँ, तो गर्मियों में रॉक शुगर आंवलों की तरह ही कूलिंग इफेक्ट देती है, तो हर तरह से रॉक शुगर ही बेनिफिशियल है। अब गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई पे कर दीजिए और इस मिक्सचर को कंटिन्यूस चलाते रहिए। अगर बीच में आप थक जाते हैं स्टर करते हुए, तो 2 सेकंड्स के लिए गैस की फ्लेम स्लो कर दीजिए और स्टर करना बंद कर दीजिए। वापस से जब आप स्टर करना चालू करते हैं तो गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई पे ले लीजिए।
तो इस तरह से हमें इस मिक्सचर को मिनिमम 15 मिनट के लिए स्टर करते रहना है, या तो फिर हमने इसमें जो शुगर डाली है उसका पानी जल ना जाए तब तक स्टर करते रहना है। और ये जो मुरब्बा है वो अगर कढ़ाई की साइड्स छोड़ने लगे तो वो भी एक साइन है कि हमारा मुरब्बा रेडी है। तो देखिए हमारा मिक्सचर गाढ़ा होता जा रहा है, मतलब इसमें जो शुगर डाली थी उसका पानी, आंवले का पानी जल रहा है। और ऑलमोस्ट 15 मिनट के बाद देखिए ये मिक्सचर एकदम गाढ़ा हो जाता है, ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का हो जाता है। फ्रूट जैम की जो कंसिस्टेंसी होती है वैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और देखिए इस तरह से कढ़ाई की साइड भी छोड़ने लगता है, मतलब ये है कि हमारा मुरब्बा एकदम रेडी है। बस हमें इसमें सिर्फ दो मसाले डालने हैं। पहले गैस की फ्लेम एकदम स्लो कर देंगे और फिर उसके बाद इसमें 1/4 टीस्पून तज का पाउडर, मतलब सिनेमन पाउडर ऐड करेंगे। मुझे ज्यादा सिनेमन पाउडर पसंद नहीं है इसलिए मैं कम डालती हूँ। अगर आपको सिनेमन पाउडर ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। और उसके बाद इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। इन दोनों मसालों से ये जो मुरब्बा है वो एकदम फ्लेवरफुल तो बनेगा ही, और साथ में ये दोनों हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छे हैं। बस अब इन मसालों को अच्छे से मुरब्बे में मिक्स कर दीजिए और फिर गैस की फ्लेम ऑफ कर दीजिए। हमारा मुरब्बा एकदम तैयार है। अब इस मुरब्बे को ऐसे ही आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए ठंडा होने के लिए। एकदम ठंडा हो जाए उसके बाद कांच के क्लीन कंटेनर में ट्रांसफर कर लीजिए। हमारा जो कंटेनर हो वो एकदम ही क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर इसमें पानी लग जाएगा तो ये मुरब्बा जल्दी से तुरंत ही खराब हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको इस मुरब्बे को ज्यादा दिनों के लिए, पूरे साल के लिए स्टोर करके रखना है तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं लगना चाहिए। ना तो हम इसमें जो स्पून डाले वो कभी भी गंदी हो या पानी वाली हो या जूठी हो, ना तो कभी भी ये जो हम बॉटल यूज करते हैं स्टोर करने के लिए वो भी पानी वाली हो। और इसीलिए हमने आंवलों को पीसने टाइम भी बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, क्योंकि एक तो वो एक्स्ट्रा पानी जलाने के लिए एक्स्ट्रा गैस चलाना पड़ता, ज्यादा टाइम लगता मुरब्बा बनाने के लिए, और अगर थोड़ा सा भी पानी रह जाता तो ये जो मुरब्बा है वो ज्यादा दिनों के लिए नहीं चलता, पूरे साल के लिए तो नहीं चलता, पानी की वजह से बहुत जल्दी ही बिगड़ जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप भी ये रेसिपी जल्द से जल्द बनाएंगे, क्योंकि आंवले सिर्फ विंटर में खाने के लिए नहीं होते हैं, गर्मियों में भी हम इन्हें आराम से खा सकते हैं उनकी ऐसी डिशेस बना के। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी वो कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो फिर लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और ऐसी दूसरी हेल्दी रेसिपीज एंड यूजफुल वीडियोस देखने के लिए मेरी चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।